हाय दोस्तों, मैं हूँ अश्विन, प्रोफेशन से एक पेंटर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि वुडन सरफेस पर पॉलिश कैसे करें। ये प्रोसेस आप किसी भी लकड़ी, प्लाईवुड, एमडीएफ या किसी भी तरह की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर पर यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक हमारे एक व्यूअर ने हमें सजेस्ट किया है, तो सबसे पहले हम उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आपके भी मन में कोई ऐसा सजेशन हो तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए। दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये लकड़ी का टुकड़ा लिया है। ये पहले ऐसी लकड़ी थी, इसको हमने अच्छे से सैंड करके स्मूथ किया है ताकि हमारी पॉलिश इस पर अच्छे से टिक पाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये पॉलिश करके रखा है। तो दोस्तों, आपको क्लियर पॉलिश नहीं करनी है तो आप ये तारेल कंपनी की वुड स्ट्रेनर आती है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद पॉलिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से लकड़ी थोड़ी डार्क हो जाएगी। दोस्तों, हमने पॉलिश करने के लिए कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है। आप चाहे तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आप हमारी तरह पॉलिश करना चाहते हैं तो हमने जैसे ये कॉटन का स्टेप बताया है वैसे कीजिए और फिर पॉलिश कीजिए तो अच्छे से लगेगी। दोस्तों, पॉलिश की पूरी प्रोसेस समझ आए इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। हम पॉलिश करने के लिए लैकर का यूज़ करने वाले हैं। ये हमने पहले डब्बे में लेकर निकाल के रखा है। इसमें हम कपड़े के गद्दी को इस तरह डुबाएंगे और फिर एक कोने से दूसरे कोने तक बिना रुके हुए खींचते जाएंगे, जिसकी वजह से अच्छे से पॉलिश लगेगी। ऐसा नहीं करने पर लकड़ी की सरफेस पर सभी जगह से अच्छे से नहीं लग पाएगी। हम पूरी लकड़ी पर इसी तरह से पहले पॉलिश कर लेते हैं, फिर इसको तकरीबन 30 मिनट तक सूखने देंगे और उसके बाद सैंड करेंगे। तो दोस्तों, हमारी चैनल पर ऐसे ही पेंटिंग से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, तो आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई भी सुझाव है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसका पूरा उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हम इसके बॉर्डर पर भी पॉलिश कर लेते हैं और ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉलिश करेंगे। लेकर को सूखने में 30 मिनट जितना टाइम लग जाता है। अच्छे से पॉलिश करने के लिए हमें दो कोट करना पड़ता है। ये हमने पहला कोट किया है, अभी इसको हम सूखने रखेंगे, उसके बाद हम इसको सैंड करके इस पे ऊपर दूसरा कोट लगाएंगे। ये हमारी लकड़ी सूख चुकी है, हम इसके ऊपर आपको हाथ लगा कर भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों, हमें लकड़ी पर अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए सबसे पहले 220 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करना चाहिए, आप दोस्तों देख सकते हो वैसे। उसके बाद हम 320 नंबर का पेपर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर स्मूथनेस बनी रहे इसलिए। तो दोस्तों, हम पहले 220 नंबर से सैंड करेंगे और उसके बाद 320 नंबर से सैंड करके आपको दिखाएंगे। सैंड पेपर को हम कुछ इस तरह से फोल्ड करके पकड़ेंगे ताकि सैंड पेपर पकड़ने में आसानी हो। लकड़ी पर यह ग्रीन्स बनी होती है तो हमें सैंड पेपर को इसी दिशा में घिसना है, जिसकी वजह से हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो दोस्तों, लकड़ी की बॉर्डर भी हम इसी तरह सैंड कर लेते हैं अच्छे से। तो हमारा 220 नंबर पेपर से सैंड हो चुका है अच्छे से। इसके बाद हम 320 नंबर का पेपर लेंगे और इसे को पूरी अच्छे तरीके से सैंड कर लेंगे फिर से, जैसे हमने बताया था वैसे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। हमने इसको अच्छे से सैंड कर लिया है, अब एक बार हम कपड़े से इसको साफ़ कर लेते हैं दोस्तों, ताकि डस्ट वगैरह वो निकल जाए, हमारे पॉलिश में ये कोई दिक्कत ना करे। तो दोस्तों, हमने इसको साफ़ कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक और कोट लेकर का लगाएंगे। हमने जैसे पहले कोट में लगाया था वैसा ही सेम प्रोसेस है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने लकड़ी पर पॉलिश कर ली है। इसके ऊपर हमने ऐसे ही 3-4 बार और कोट लगाएंगे, जिसकी वजह से लकड़ी पर अच्छी सी शाइनिंग आएगी और पूरी लकड़ी में पॉलिश एकदम मस्त तरह से होगी। इसके ऊपर जैसे मिरर जैसी इफेक्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, हम इस पर लगाते हैं, आप देख सकते हो जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही।
तो दोस्तों हमारा ये ऑलमोस्ट पॉलिश हो चुका है। हम आपको अब दिखाएंगे इसके ऊपर कैसी मिरर इफ़ेक्ट आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, हम इसको उठा के आपको दिखा देते हैं, कैमरे के सामने लाते हैं। तो दोस्तों ये देखो हमारे ऊपर लाइट है वो कितनी अच्छी तरीके रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, एकदम मिरर जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये पॉलिश कैसी लगी आपको हमें कमेंट में बताएं। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस लकड़ी पर पॉलिश कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।